नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अशिक्षित गांव की कहानी। सो दोस्तों, आप कहानी को ध्यान से और अंत तक सुनिए। लहर नाम के गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। साहूकार उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा था। कहने को वह साहूकार था, लेकिन बहुत ही लालची था। जरूरत पड़ने पर वह गांव वालों के घर, जमीन आदि गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार दे देता था। झूठी लिखा पढ़ी पर वह उनसे अंगूठा लगवा लेता था। एक बार उधार ले लेने पर गांव वाले उसके कर्ज से हमेशा दबे रहते थे। उसी गांव में राजन सिंह नाम के एक व्यक्ति की एक छोटी सी दुकान थी। थोड़ा हिसाब किताब करना जानता था। ईमानदारी से चार पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और खुश रहता था। पढ़ा लिखा होने की वजह से वह साहूकार की काली करतूतों को जानता था। एक दिन सरपंच के पास जाकर उसने साहूकार की शिकायत की। सरपंच खुद साहूकार की बेईमानी का बराबर का हिस्सेदार था। उसने राजन सिंह की बात को अनसुना कर दिया। परेशान होकर राजन सिंह जिला मुख्य अधिकारी के पास जाने का फैसला किया। उसने उनके पास जाकर कहा, श्रीमान, गांव का सरपंच और साहूकार मिलकर गांव वालों को लूट रहे हैं। वो दोनों दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और गांव वाले गरीब होते जा रहे हैं। उनकी सारी कमाई सूद भरने में ही खत्म हो जा रही है। जिला अधिकारी ने राजन की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने दो कर्मचारियों को धनपत साहूकार और सरपंच की चुपचाप जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। कर्मचारियों ने आकर बताया कि राजन सिंह की बात सही है। जिला अधिकारी ने तुरंत दोनों की शिकायत पुलिस अधिकारी से की। दोनों को बंदी बनाकर अदालत में पेश किया गया। जज ने फैसला सुनाया कि साहूकार और सरपंच ने गांव वालों से चालबाजी की है और उनका पैसा वापस करें। जज के फैसले से राजन सिंह और गांव वाले बहुत ही खुश थे। अब जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि हर गांव में एक बाल विद्यालय खोला जाए और उसमें अच्छे टीचर रखे जाएं। यह सुनकर राजन सिंह हैरानी से पूछने लगा, श्रीमान, अपराधियों को तो सजा मिल गई, अब विद्यालय खोलने से क्या लाभ होगा? जिलाधिकारी बोले, राजन सिंह, गांव के लोग सीधे साधे और बहुत लोग अनपढ़ हैं। साहूकार और सरपंच को सजा देने से समस्या मिट नहीं जाएगी। अनपढ़ गांव वालों को कोई भी ठग सकता है, इसलिए सबको पढ़ना जरूरी है। राजन सिंह यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, आपने तो बहुत दूर तक सोचकर काम किया है। राजन सिंह भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब उसके गांव में अज्ञानता और अंधकार नहीं रहेगा। एक नया सवेरा सारे गांव को खुशियों से भर देगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है।